थकान से निढाल हो गया हूँ, परंतु अभी तक निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। पता नहीं वो दुष्ट माता सीता को लेकर कहाँ गया होगा। परंतु माता को खोजना तो है ही। चिंता मुझे इस बात की है कि मैं भरसक प्रयत्न करने के उपरांत भी प्रभु राम की सेवा नहीं कर पा रहा। हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई संकेत, कोई दिशा नहीं कि कोई दुष्ट माता जानकी को दक्षिण की ओर ले गया है, और दक्षिण तो सृष्टि के अंत तक है। कुछ समझ में नहीं आता। धन्य है भगवान, तूने कई दिन के भूखे के लिए आहार का प्रबंध कर दिया। आज तो कई दिन का आहार एक साथ मिल गया। हे पक्षीराज, आपको देखकर न जाने क्यों पक्षीराज जटायु का स्मरण हो आया। तुम मेरे अनुज को कैसे जानते हो? तो ये कहिए, आप महान जटायु के अनुज हैं? हाँ, मैं महान जटायु का अनुज संपाती हूँ। पर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम मेरे भ्राताश्री को कैसे जानते हो? उन्हें संसार में कौन नहीं जानता। उनकी वीरता, उनके साहस और उनके बलिदान की तो चारों ओर धूम मची हुई है। उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम की जो सेवा की है, उसे कौन भुला सकता है भला। परंतु मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ कि क्या हुआ। पक्षीराज संपाती, एक दुष्ट राक्षस प्रभु श्री राम की जीवन संगिनी और हमारी माता सीता को छल से हर ले गया है, और जब वो दुष्ट आकाश मार्ग से जा रहा था तो महाराज जटायु ने उसे देख लिया और वो अबला पर अत्याचार सहन न कर सके। उन्होंने उसका मार्ग रोक लिया और उसके साथ युद्ध किया। युद्ध करते हुए वे मृत्युलोक को प्राप्त हुए। क्या मेरे भ्राताश्री का दुष्ट राक्षस ने वध कर दिया? हाय मेरा भ्राता। ईश्वर की सौगंध, वो दुष्ट मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसका वध कर दूं। पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। मैं बालीपुत्र युवराज अंगद हूं, और ये मेरे चाचा महाराज सुग्रीव के विश्वास पात्र जामवंत और नलनील हैं। और मैं श्री राम का सेवक अंजनी पुत्र हनुमान हूं। और पक्षीराज, हम भी उस दुष्ट को ढूंढ रहे हैं जो हमारी माता को हर ले गया है, पर अभी तक हमें यह पता नहीं चल सका कि वो दुष्ट कौन है और हमारी माता को कहां ले गया है। मेरी कृत दृष्टि यहीं से देख सकती है। ये जानकी अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका? कहां है ये अशोक वाटिका? अशोक वाटिका विशाल सिंधु सागर के उस पार लंका में है। लंका का शासक महायोद्धा रावण है, और अब मुझे विश्वास है कि जनक नंदिनी को वही हर ले गया है, क्योंकि अशोक वाटिका उसकी सर्वप्रिय वाटिका है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पक्षीराज संपाति, आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या सुलझा दी। अब हम जानते हैं कि हमें कहां जाना है और क्या करना है। पक्षीराज संपाती, आपने हमारे अंदर उत्साह भर दिया है। अब हम अवश्य माता सीता को ढूंढ लेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। Thank you.
चलो। बात है पुत्री, बहुत दिनों बाद तेरी वाणी में जीवन पाया। माता, आज अचानक मेरी बाई आंख फड़क रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बाएं अंगों का फड़कना तो शुभ होता है, ये तो प्रसन्नता का सूचक है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ माता, आर्य पुत्र के वियोग में, इस शोकातुर जीवन में प्रसन्नता का क्षण कहाँ से आ गया? मैं बताऊं पुत्री, अवश्य ही तेरे आर्य पुत्र और शुभ चिंतकों को तेरे विषय में कुछ सूचना मिल गई है, और यदि ऐसा है तो विश्वास रख, तेरी मुक्ति में बहुत समय शेष नहीं है। माता, ईश्वर करे कि आपके मुख से निकली हुई ये बात भविष्यवाणी सिद्ध हो, अन्यथा मेरे जीवन का हर पल, हर क्षण मृत्यु समान होता जा रहा है। निराश मत हो पुत्री, हर रात्रि की भोर होकर ही रहती है। क्या होगा, हमारे और लंका के बीच ये विशाल अपार सागर खड़ा है, हम इसे कैसे पार करेंगे? ये तो आसमान से गिरकर ताड़ में अटकने वाली स्थिति है। इस सागर को पार करना तो असंभव है। लगता है हम माता जानकी तक कभी ना पहुंच पाएंगे। और यदि हम माता जानकी तक नहीं पहुंच सके तो महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों मौन है पवन सुत? आपके जैसा बलवान बलबीर इस संसार में और कौन है? आपको बजरंग बली कहते हैं, कुछ तो कहिए। क्या कहूं, इस विशाल सागर को तो देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल गया हूं। क्या आप ये भी भूल गए कि आप बाल्यकाल से ही असंभव को संभव बनाते रहे हैं? आपने तो वे कार्य किए हैं जो आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता था। आपने सूर्य का भक्षण करके तीनों लोकों में अंधकार कर दिया था। ये क्या वस्तु है, लाल लाल नित्य दिखाई देता है, कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए। आप अंजनी पुत्र हनुमान हो, महावीर हो, यह मत भूलो कि आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पवन सुत, आप बाल्यकाल में बहुत चंचल थे, ऋषिगण आपकी नटखट प्रवृत्ति से दुखी रहते थे और उन्होंने आपको शाप दिया कि जब तक कोई आपको स्मरण नहीं कराएगा कि आप कितने बलवान हो, आप अपना बल भूले रहोगे। ऋषिवर,
ऋषिवर, ऋषिवर। दुष्ट वानरों, मेरा ध्यान भंग कर दिया। ऋषिवर, बिना पत्थर के तो मिट्टी का पात्र नहीं टूटता। बिना तोड़े आपका ध्यान टूट गया। बहुत कच्चा ध्यान है आपका। गुरुदेव, ये वही वनराज केसरी का पुत्र है जिसने सूर्य को निगल लिया था। तू सूर्य से उलझ चुका है, मुझसे क्या चाहता है? मैंने अभी तक आपसे वो प्रश्न नहीं किया जो मैं आपसे पूछने आया हूँ। क्या पूछने आया है बता? आप तो ध्यानी है, बताइए ना मेरे श्रीराम कहाँ रहते हैं? विचित्र प्रश्न है। मेरे श्रीराम अपना भी कहता है और ठिकाना भी पूछता है। बताइए ना मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? देखो बालक, मैं केवल एक ही राम को जानता हूँ और वो अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं जिन श्री राम की बात पूछ रहा हूँ वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं ऋषिवर। मैं ऐसे वैसे किसी राम को नहीं जानता। ऋषिवर, मेरे राम का नाम सम्मान से लो, ऐसे वैसे शब्द का प्रयोग मत करो। जो राम को नहीं जानता वो जानता ही क्या है? कुछ नहीं। तू मेरा अपमान कर रहा है रे कपी। जो राम से नहीं मिला सकता वो कैसा गुरु? वानर, जा निकल जा, तेरा एक एक शब्द शाप योग्य है। मेरे लिए तो एक ही शब्द बड़ा है, राम राम राम, बाकी सब कुछ तुच्छ है। तुच्छ? तू मुझे तुच्छ कहता है? तुझे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है कि तू सूर्य को निकल सकता है? जा, मैं तुझे शाप देता हूं, जब तक तुझे कोई तेरी शक्ति का ध्यान नहीं दिलाएगा तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। मैंने आपको स्मरण कराया और आपका बल लौट आया। इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूं। अब तो लगता है कि मैं केवल दो छलांग मार कर अशोक वाटिका तक पहुंच जाऊंगा। सुनिए युवराज अंगद, आप सब यहीं इस तट पर रुकिए, मैं अकेला लंका में प्रवेश करूंगा और अपनी माता जानकी के दर्शन करके और उनका समाचार लेकर लौटूंगा। उसके उपरांत हम सब मिलकर अपनी योजना बनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज बड़े दिनों के पश्चात देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है। अरे वानर, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता, मैं तुझे खाऊंगी। हे माता, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तेरे माता पुकारने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सागर के सारे भयानक सर्पों और अजगरों की माता हूं मैं। मैं कोई भी रूप धर सकती हूं। मैंने अपना परिचय दे दिया है, अब तू मेरा ग्रास बनने के लिए तैयार हो जा। माता, मैं इस समय प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूं। मुझे माता जानकी का पता लगाना है, उनकी कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम को देना है। मुझे अपना ये कार्य करने दीजिए, उसके पश्चात मैं आपको वचन देता हूं कि लौटकर आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। ए वानर, मूर्ख समझता है मुझे?
मैं तेरे छलावे में नहीं आऊंगी, मैं तुझे इसी समय खाऊंगी। हे माता, अब आप सत्य सुनना चाहती हैं? तो सुनिए, मेरे आकार के समक्ष आपका मुंह बहुत छोटा है, आप मुझे नहीं खा पाएंगी। अपने आकार पर मत इतरा, ये देख मेरा मुंह। हाँ, मैं इसमें नहीं समा पाऊंगा। मैं इसमें भी नहीं समा पाऊंगा। लो माता, आपका हठ और मेरा वचन दोनों पूरे हो गए। मैं आपके मुंह में प्रवेश करके लौट आया। वीर हो, साहसी और बुद्धिमान भी हो, हे पवनसुत हनुमान, मुझे तो देवताओं ने तुम्हारे बल, बुद्धि एवं साहस की परीक्षा लेने भेजा था। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। मैं तुम्हारी सफलता के लिए हृदय से आशीष देती हूँ। माता, मैं धन्य हुआ। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है पवनसुत। जय श्री राम। ऐसी गंध तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। ये किसी लंकावासी की गंध तो हो ही नहीं सकती। कौन दुष्ट चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा कर रहा है? इससे पहले तो मैंने तुझे लंका में कभी नहीं देखा। तो आज देख लो, मन भर के देख लो, और यदि मुझे देखने से आनंद मिले तो अपने परिवार वालों को भी बुला लो, वो भी मेरे दर्शन कर लेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है तुझे देखकर, आज मन भर के आहार मिल गया।